बांदा में उद्योग विभाग के बर्खास्त सहायक आयुक्त को पुलिस ने रोडवेज प्रतीक्षालय बांदा से गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार सहित कई मामलों में पुलिस ने बर्खास्त सहायक आयुक्त की तलाश कर रही थी। जांच में दोषी पाए जाने के बाद शासन द्वारा बर्खास्त किए जाने पर सहायक आयुक्त सर्वेश दीक्षित लगातार सोशल मीडिया पर सरकार और सदर विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता था, जिस पर नगर कोतवाली सहित गिरवा थाने में बर्खास्त सहायक आयुक्त के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। गिरफ्तार हुए सहायक आयुक्त सर्वेश दीक्षित ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उन्हें सारे मामलों में बरी किया है। नहीं, इनके खिलाफ पहले एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए गलत ढंग से जमीनों को विक्रय किया था इन्होंने। उस समय संबंध में एक जाँच हुई थी और उसी जाँच क्रम में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें विवेचना के बाद इनका दोष पाते हुए आज इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कहाँ से सर इनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, इनको गिरफ्तार हम लोग यहीं पे बांदा से ही इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ करने के बाद इनको जेल भेजा। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। छतरपुर के नौगांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें जमीनी विवाद के चलते दो भाइयों में विवाद हुआ था, जिसमें चाचा ने अपने भतीजे जितेंद्र अनुरागी को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में जितेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव ले गई, जहां पर परिजनों ने पुत्र की हालत गंभीर देखते हुए नेशनल हाईवे अस्पताल के सामने जाम लगा दिया और नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के नीचे आकर जान देने की कोशिश की। परिवार के लोगों द्वारा हाईवे पर किए गए हंगामे को लेकर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। कहाँ के रहने वाले? नया गांव के। सर, क्या घटना घट गई आज? सर, 8 दिन से लड़ाई चल रही है, हमारे छोटे भाइयों ने मेरे छोटे लड़के को आग लगा दी साहब। मेरी सास साथ भी है, मतलब मेरी माँ भी है उनके साथ। किस बात पर लड़ाई हुई? साहब, हमारे जमीन विवाद से लेकर लड़ाई हुई, आग लगा दी। कब से चल रही है? साहब, ये चल रहा है, अभी 8 दिन से चल रही है साहब। तो इसकी सूचना कहीं प्रशासन पुलिस को? 8 भाई रिपोर्ट कर चुके हैं, 8 दिन से बराबर रिपोर्ट करने आ रहे हैं, लेकिन नौगांव की पुलिस हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। क्या बोलते हैं पुलिस को? थाने में कुछ नहीं है भाई यार, NCR लिख के दे देते हो, कहते जाओ घर सब हो जाएगा। क्या नाम है भाई का? क्या नाम है भाई का? साहब, एक का मधु नाम, एक का राजू नाम, एक का नरेंद्र नाम, एक का प्रकाश नाम है साहब, एक का मधु नाम है। आग किसने लगाई है? आग सब पांचों ने मिलकर लगाई है आग। और जिसको मतलब जो घायल हुए वो कौन है? मेरा लड़का है साहब। क्या नाम? क्या उसका नाम? का कपिल कुमार नागी। छतरपुर से KKD न्यूज संवाददाता शंकर साहू की रिपोर्ट।